IVM. नानी, आज आप तो बस एक अच्छी सी कहानी सुना दीजिए। आज आप किसकी कहानी सुनाएंगी? तू बोल, तुझे किसकी कहानी सुननी है? आज ना आप मेरी कहानी सुना दीजिए ना। अरे, तेरी कहानी? हाँ। तुझे क्या सुनाऊं? मगर सुन, अपने जैसी ही एक लड़की की कहानी। कहानी का नाम है खुदबुदी। खुदबुदी। अरे 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 अरे, धम्म, ये गिरी साइड टेबल और छन से टूटा माँ का अति प्रिय क्रिस्टल का वाज। अरे क्या हुआ? माँ ने दरवाजे से आवाज लगाई। लड़की तो बस कोने में खड़ी की खड़ी रह गई। हुआ यह था कि गर्मियों की छुट्टियां थी, माँ घर से निकलने नहीं देती थी। कहती थी, लू लग जाएगी, घर में बैठो, होमवर्क करो, चलो थोड़ी देर टीवी देख लो। दिल ऊब जाता था बेचारी का और मन में उठती थी एक मचलती हुई खुदबुदी, बस कुछ करना है। और उस दिन उसने कमरे में ही खाई एक कलाबाजे। टांग गिरी टेबल पर, टेबल गिरी और उसके साथ उस पर रखा वह क्रिस्टल वाज। छन, अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात थी, सब आंटियों के घर सुंदर सुंदर क्रिस्टल की चीजें देखकर उसकी माँ के दिल में भी कुछ सुंदर चीज लाकर घर को सजाने की इच्छा हुई थी। एक दुकान में सेल चल रही थी, वहीं से एक महंगा सा क्रिस्टल वाज खरीद डाला। पिताजी ने कहा, अरे इतने पैसे देकर ये क्या कचरा उठा लाई हो? तो वो थोड़ी लज्जित भी हुई, पर वह वाज उनको बहुत प्रिय था और आज वही वाज टुकड़े टुकड़े होकर धरती पर पड़ा था। माँ ने आव देखा न ताव, बस तपाक से जड़ दिया एक उसके गाल पर। जीवन में पहली बार थप्पड़ पड़ा था, वो भी इतना जन्नाटेदार। उसे चोट तो लगी थी, पर उससे भी बड़ी चोट लगी थी दिल पर। वह भागकर अपने कमरे में गई और धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। एक कांच के टुकड़े के पीछे इतनी बड़ी सजा, बस अब मैं भी नहीं करूंगी माँ से बात। काफी समय बाद जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो आंखों के आगे तैर गया माँ का वह गुस्से वाला चेहरा। गुस्से में चौड़ाई आंखें, लाल लाल गाल, चढ़े हुए तेवर और थोड़ी सी टेढ़ी हो गई नाक। बाल भी गुस्से के कारण कुछ खड़े से हो गए थे। उसने पिताजी के लाए हुए ड्राइंग पेपर और स्केच पेन निकाले और माँ का गुस्से से भरा चेहरा कागज पर उतार दिया। उधर कुछ समय में माँ ने भी गुस्से पर काबू पाया। अपनी लाडली पर हाथ उठाया था, इसका बहुत बुरा भी लगा। झगड़ा समाप्त करने का सिग्नल हुआ और माँ अपनी लाडली के लिए उसके मनपसंद चिप्स एक प्लेट में रखकर लाई। बोली, भूख लगी होगी, खा ले। अचानक उनकी नज़र कागज पर पड़ी। अपना गुस्से से भरा चेहरा पहले तो देखती ही रही, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसी लग रही थी मैं, ऐसी ही थी उसकी माँ। गुस्सा मानो एक सेकंड में ही गायब हो जाता था। शाम को जब पिताजी आए तो उनके सामने पूरी कहानी के साथ माँ का चित्र भी पेश किया गया। पिताजी भी हंस पड़े। मैं न कहता था कि मेरी बेटी बहुत बड़ी कलाकार है, चाहे वो बनाए कार्टून ही। खुदबुदी तो अब उस लड़की की सहेली बन गई। जब उठे तो बस उठा लेती थी कागज और पेंसिल। पूरे स्कूल में उसके कार्टून मशहूर हो गए। संगी साथी अध्यापक सब उसके कार्टूनों को पसंद करते थे। साथ में कहते थे, अरे भाई इससे जरा बच कर रहना,
ये तो हमारा कार्टून बना देगी। पता है वो खुदबुदी वाली लड़की कौन थी? वो थी किनी की माँ। अच्छा बच्चों, अब तुम बताओ कि क्या कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि एक जगह बैठा नहीं जाता, जो तुम करना चाहो वो करने की इजाजत नहीं मिलती और मन में एक अजीब सी खुदबुदी उठती है? ऐसा हो तो तुम क्या कर सकते हो? किनी तो सोच कर कल तक जवाब देगी, अब तुम भी सोचो। अरे एक बात तुम्हें मालूम है, भारत के एक बहुत प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट या कार्टून बनाने वाले थे R.K. लक्ष्मण। उन्हें भारत सरकार से अपने अनमोल कार्टूनों के लिए पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे देश के बड़े बड़े सम्मान मिले थे। जब वे बच्चे थे तब उन्होंने एक बार क्लास में अपने टीचर का कार्टून बनाया था, जिसमें उनके टीचर बाघ के बच्चे जैसे लग रहे थे। शायद इससे उनके टीचर तो उनसे खुश नहीं हुए होंगे, परंतु उन्होंने स्वयं अपनी कार्टून बनाने की शक्ति को उससे ही पहचाना था। Good evening, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Sorry to say, but there's been a slight delay due to the apocalypse having suddenly begun. As you can see, there's death, destruction, and chaos taking place all around us. But don't you worry, food and drinks will be served shortly, and I would recommend checking out IVM Podcasts to get some of your favorite Indian podcasts. We'll keep you going till this whole thing blows over. Thank you.